सभी प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय 17 में हम हड्डियों के बारे में जानेंगे और अध्याय का नाम है हड्डियाँ। अब इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। इसमें मुख्य बिंदु है हड्डी क्या है, हड्डी के कार्य, कंकाल किसे कहते हैं, जोड़ किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के जोड़, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। अब इसे देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक बड़ी सी इमारत है जो बन रही है और इसमें देखिए आपको सरिया दिख रही हैं, सीमेंट दिख रही है, ईंट होती है, रेत होती है। लेकिन जब कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले उसमें हम लोहे के रॉड, लोहे के सरिया, है ना, इन्हें डालते हैं। उसके बाद उसमें ईंट, गिट्टी, रेत, सीमेंट, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो सरिया है ये इमारत को मजबूती देता है। इसी तरह हमारा जो शरीर है इसे मजबूती देने के लिए हमारी हड्डियाँ होती हैं, है ना बच्चों। अच्छा, अब इन हड्डियों का जो एक ढांचा है उसे हम क्या कहेंगे, हड्डियों के ढांचे को हम कहते हैं कंकाल। चलिए हम अपने शरीर में कुछ हिस्सों में हड्डियों को महसूस करते हैं। इस चित्र को देखिए, आपकी पुस्तक में भी ये चित्र है, चलिए उसे निकालिए और हम आज अपने शरीर की इन हड्डियों को महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ जो है उसे आप पकड़ कर देखिए, दूसरे में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ दबा कर देखिए, आपको कोई कड़ी चीज़ महसूस होती है ना, हाँ। और एक ये जो आपकी उंगली है इसे भी दबाइए, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आप करिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या हो रहा है, मेरी तो पूरी हथेली घूम रही है, क्या आपकी भी हथेली इस तरह घूम रही है, देखिए करके। और ये कोहनी से मेरा हाथ तो इस तरह मुड़ भी रहा है, आपका भी मुड़ता होगा। कहने का मतलब ये जो हमारी बाँह हैं इसमें हड्डियाँ हैं, उंगलियाँ जो हैं उसमें भी कुछ हड्डियाँ हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें कड़ा महसूस हो रहा है, और हमारे घुटनों में, हमारी कोहनी में हमें यहाँ पर मोड़ या जोड़ भी महसूस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसे देखिए, इसे देखकर आपको क्या याद आ रहा है, एक पूरा मानव शरीर का कंकाल। अभी आपको मैंने कहा कि हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल कहते हैं, क्या आपने कंकाल देखा है, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो इस चित्र में देखिए, ये एक मानव कंकाल है। खोपड़ी से लेकर पूरे पैर की उंगलियां जो है वहाँ तक की हड्डियों को इसमें दर्शाया गया है। इसे बहुत गौर से देखना है आपको, और इसमें आपको हड्डियां भी गिननी हैं। क्यों गिननी है, क्योंकि आगे इसी कंकाल को देखकर हम एक तालिका भरेंगे। चलिए आपकी पुस्तक में भी ये तालिका है, निकालिए उसे, देखिए इसमें आपको 1, 2, 3, 4 इस तरह 4 खाने दिए हैं। पहले में आपको क्या लिखना है, शरीर का भाग, दूसरे में हड्डियों की संख्या, तीसरे में कंकाल तंत्र के चित्र में गिनने पर जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसे लिखना है, और चौथे खाने में आप क्या लिखेंगे, कितनी हड्डियां आप शरीर में नहीं गिन पाए, क्योंकि कुछ हड्डियां बहुत अंदर हैं, है ना, तो वो हम नहीं गिन पाते हैं कभी कभी, तो उनकी संख्या आप चौथे खाने में लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये कैसे लिखेंगे उसके भी बारे में मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है आगे, जिन हड्डियों को तुम अपने शरीर के भाग में नहीं गिन पाए, ठीक है, चित्र में उन हड्डियों को आपको लाल रंग से भरना है, लाल रंग का कलम या पेन तो आपके पास होगा, ठीक है, और जिन्हें तुम गिन पाए, मतलब आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह उंगलियों की हड्डियों को देख रहे हैं, गिन पाएंगे,
तो उन्हें आप नीले रंग से भरेंगे। और जहाँ जहाँ हड्डियों में जोड़, जैसे ये घूम रहा है तो ये जोड़ है, ये घूम रहा है तो ये भी जोड़ है, तो उस स्थान पर आपको काले रंग से गोला बनाना है। उस जो चित्र है उसमें कहाँ कहाँ जोड़ है उसे आप काले रंग से घेरा कर देंगे या गोल कर देंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम हड्डियाँ पढ़ चुके हैं, हम कंकाल पढ़ चुके हैं, पर अगर हमसे पूछा जाए कि जोड़ क्या है तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, जहाँ हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, है ना, उन्हें हम जोड़ कहते हैं। जैसे देखिए, ये मेरी हथेली है, यहाँ ये मेरी कलाई है ना, तो यहाँ पर ये घूम रही है या जुड़ रही हैं हड्डियाँ, है ना, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जोड़। एक बात और आप महसूस करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जोड़ है, हम हड्डियों को इन्हीं जोड़ के स्थान से मोड़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे अपने शरीर में भी कर देखिए। अब हम देखें कि हमारे इतने बड़े शरीर में कितने जोड़ हैं। तो हमारे शरीर में तो बहुत सारे जोड़ हैं, तो क्या सारे जोड़ एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, ये जोड़ अलग अलग हैं, तरह तरह के जोड़। हम अपने शरीर में जो शरीर के अंग हैं उनसे कई ऐसे काम करते हैं जिनमें शरीर के अंग विशेष प्रकार से मुड़ते हैं। जैसे आप खेल रहे हैं तो आप बॉल से खेल रहे हैं तो आप बॉल को फेंकते, तो कभी हम कैच करना है तो इस तरह हम शरीर के अंगों को रखेंगे, कभी हम किसी को फेंक कर दे रहे हैं तो इस तरह हम एक्शन करेंगे, है ना। तो हमारी क्रियाएं जो है, हम क्या कर रहे हैं उसके अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, या हम कभी कुछ और काम कर रहे हैं जहाँ कलाई का इस्तेमाल है, मोड़ रहे हैं, तो ऐसे समय हम इन जोड़ से कैसे काम करें या ये जोड़ हमें कैसे मदद करते हैं उसकी बात करेंगे, और हम तरह तरह के जोड़ को देखेंगे। अब हाथ, मैंने कहा कि ये कोहनी जो है, यहाँ एक जोड़ है जिससे मैं इस तरह मोड़ पा रही हूँ, पर मेरा हाथ तो केवल मेरी ही तरफ मुड़ता है। अगर मैं इसे उल्टा मोड़ना चाहूँ नीचे की तरफ, तो क्या ये मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा, तो ये केवल एक ही दिशा में मुड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम इसे अपने कमरे के दरवाजों से अगर तुलना करें, तो आपने देखा होगा कि जो कब्जा होता है दरवाज़ा और चौखट में, है ना, उस कब्जे से वो दरवाज़ा जुड़ा होता है, और दरवाज़ा जो है वो एक ही दिशा में खुलता है ना, उल्टी दिशा में तो नहीं जाता। उसी तरह यहाँ जो हमारा जोड़ है या जो संधि है, वो हमें इस कोहनी को एक ही दिशा में मोड़ने में मदद करती है, उल्टी या विपरीत दिशा में, इसीलिए हम इसे नहीं मोड़ पाते। तो ऐसी संधि को हम कहते हैं कब्जा संधि। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी संधि देखें। चित्र में देखिए क्या करना है आपको। नारियल, आप खाते हैं नारियल, नारियल फूटता भी है घर में, पूजा होती है ना, तो नारियल की जो आधी खटोली होती है, नारियल फूटता है तो जो आधी खटोली है गोल, है ना, वो खाली होती है, उसे लेंगे आप। ठीक, उसमें क्या करेंगे, एक फ्यूज़ बल्ब आपके घर में होगा, उस फ्यूज़ बल्ब को उस जो खटोली है उसमें रखिए, और वो आसानी से इस तरह गोल घूम रहा है क्या देखिए, है ना। अब इस बल्ब को इस तरह अगर आप घुमा रहे हैं, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह इस खटोली में बल्ब घूमता है, ठीक इसी तरह हमारी जो बाँह है इस हड्डी के ऊपर, यहाँ जो सिरा है कंधे के पास, इस गड्ढे में हमारा ये कंधा या ऊपर का सिरा इस तरह घूमता है। ठीक है, और इस क्रिया में जो बाँह की हड्डी है, इसका जो ऊपर ऊपरी गोलाकार हिस्सा होता है, ये सिरा जो है वो मूसल की तरह घूमता है, लाइक इस तरह, है ना। तो इस संधि को हम कहते हैं उखल संधि। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो संधि जान चुके हैं, पहली वाली कब्जा संधि और दूसरी वाली उखल संधि। एक सवाल है, देखिए क्रिकेट की गेंदबाजी में बॉल, है ना, बॉल जो होती है गेंद, कैसे फेंकते हैं? आप ये क्रिया खुद करके देखिए, आप भी क्रिकेट खेलते होंगे बच्चों के साथ, अगर आप फेंक रहे हैं तो आपका हाथ जो है, कभी आप स्पिन करते हैं, है ना, इस तरह, तो
कलाई से मोड़ते हैं, कभी आप लंबा गोल इस तरह हाथ घुमाकर उसे फेंकते हैं। तो ये क्रिया जो है सबकी अलग अलग है ना। तो इन्हें आप करके देखिए और देखिए कि आप अपने इस जोड़ की सहायता से हाथ को कैसे घुमा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा अब आप बताएंगे। हमने जाना कि हमारी हड्डियाँ क्या है या हड्डी क्या है जिसे हमने एक क्रिया द्वारा महसूस भी किया। फिर हमने जाना कंकाल किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो शरीर का ढांचा है वो हड्डियों से बना है और इस हड्डी के ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। ठीक है, जोड़ किसे कहते हैं आपने ये भी जाना। और जोड़ क्या केवल हाथों में है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे शरीर के बहुत सारे भागों में हैं। हमने तो सिर्फ हाथ की बात की, आपके पैर में हैं, आपके घुटने में हैं, आपके एड़ी में हैं, है ना, आपके यहाँ गर्दन के पीछे भी है, इसीलिए आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चारों तरफ देख पाते हैं। ठीक है, तरह तरह की संधियों में हमने आज दो संधियों की बात की थी, पहली कब्जा संधि और दूसरी उखल संधि। तो बच्चों आशा है ये चित्र और जो गतिविधि या क्रियाएं मैंने आपसे कही वो करके, पाठ को पढ़कर, मेरी बातें सुनकर, आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पाठ जिसका नाम है हड्डियाँ। तो चलिए अब आपको कुछ मैं कार्य दे रही हूँ जो आपको करना है। ठीक है, तो प्रश्न लिख लीजिए इस कार्य के, हमारे शरीर में हड्डियों के क्या कार्य है। आपको पता है हम क्या क्या कार्य अपने हड्डियों से करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, कब्जा जोड़ या कब्जा संधि भी कहते हैं इसे, के बारे में तुम क्या जानते हो, उदाहरण सहित समझाओ। आपको ये समझाना है कि कैसे कब्जा संधि जो है वो कार्य करती है और हमारे शरीर में ये कहाँ उपस्थित है। तो बच्चों इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं, हम अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।